40 की 40 से जो है एनडीए गठबंधन और मोदी जी का जो लक्ष्य अब की बार 400 निश्चित तौर पर ये पूरा करें, वो जो है हर समाज हर वर्ग के लोग साथ लेके चलने वाले। आज वही वजह है जो हर जो है जात पात से ऊपर जो है उठ करके धर्म से ऊपर उठ करके लोग इनको चाहने वाले। यही चाह रहे हैं कि चिराग पासवान हमारे के आगे के लिए बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और बहुत मतलब हमारे बिहार का मतलब ऊपर की ओर लेके जाएंगे और बहुत अच्छा ही है। यही चाह रहे हैं कि चिराग से उम्मीद है बहुत से बदलाव हो रहा है और अपेक्षा की और ज्यादा हम लोग को जीते हुए तो है ही और चाह रहे ज्यादा मार्जिन से जीते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हाजीपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है चिराग पासवान का। आज नामांकन है और नामांकन के ठीक पहले पूरा हाजीपुर में हेलीकॉप्टर उड़ने लगा है। जी हाँ, जिधर भी आपकी नजरें जाएंगी, जिधर भी आपकी निगाहें जाएंगी, हेलीकॉप्टर वाला झंडा आपको देखने को मिलेगा। हाजीपुर में पासवान चौक पे रामविलास पासवान के मूर्ति के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है और चिराग पासवान के पार्टी के तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं। और साथ सर मोदी जी क्या कहेंगे सर, चिराग पासवान आज हेलीकॉप्टर उड़ाते रहेंगे हाजीपुर में? निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं जिस तरीके का हुजूम जो उड़ा है, खासकर युवाओं का जो हुजूम है और ये हाजीपुर की धरती है, रामविलास पासवान की कर्म भूमि है निश्चित तौर पे। और हर एक पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा हमसे भी आगे जाए, निश्चित तौर पे आज वो दिन आ गया। नामांकन की आज दिन है, आप देखिए लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ है। इस बार भी जो है बिहार 40 की 40 सीट जो है एनडीए गठबंधन और मोदी जी का जो लक्ष्य अब की बार 400 निश्चित तौर पे ये पूरा करेंगे। और इस बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बार भी पुनः जो है इसको रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने का काम करेंगे। जिसने आप देखिए इस तरह हुजूम आप देखेंगे पूरे हाजीपुर की जनता के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आप देख सकते हैं इसमें हाजीपुर का जो विकास के कार्य किए हैं उस पर जो है पूरे देश दुनिया में जो नाम हाजीपुर का है उसको भी ऊँचा करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से ये उनकी लोकप्रियता दर्शाती है, वो जो है हर समाज हर वर्ग के लोग साथ लेके चलने वाले। आज वही वजह है जो हर जो है जात पात से ऊपर जो है उठ करके धर्म से ऊपर उठ करके लोग इनको चाहने वाले। बिल्कुल बिहार में खासकर युवाओं के उम्मीदों के चिराग हैं। निश्चित रूप से आज वो वजह है कि आज देखिए हाजीपुर की जनता स्वतः जो है भीड़ उमड़ रही है। चलिए मैं सर डॉक्टर साहब थे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग इनसे बातचीत करते हैं हरियाणा से। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग यही चाह रहे हैं कि चिराग पासवान हमारे के आगे के लिए बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और बहुत मतलब हमारे बिहार का मतलब ऊपर की ओर लेके जाएंगे और बहुत अच्छा ही है। यही चाह रहे हैं कि चिराग से उम्मीद है बहुत क्या बदलाव हो जाएगा? बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, पहले से बदलाव हो रहे हैं और अपेक्षा की और ज्यादा हम लोग को जीते हुए तो है ही और चाह रहे ज्यादा मार्जिन से जीते। क्या कहेंगे बाबा, कहाँ से आए हैं? हरियाणा से हैं। हरियाणा से आए हैं आप चिराग के नरियाल से? पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है सर। चिराग पासवान को चाहने वाले बिहार ही नहीं पूरे देश में फैले। चाचा हरियाणा, हरियाणा से बताइए। हरियाणा से आया हूँ मैं जी, जिला गुड़गांव। ठीक है, भगवान मानता हूँ 40 साल इसके साथ। कैसे जानते हैं हरियाणा में, कैसे आप जानते हैं बिहार में चिराग पासवान है? उनकी पिता की राजनीति बिहार में? नहीं जी, पूरा हिंदुस्तान में शेरदा जी। कौन कहता कि बिहार में कोई राज्य ऐसा नहीं जिसमें इसकी पार्टी नहीं है, रामदास की पार्टी नहीं है। अब चिराग के मुताबिक कोई राज्य ऐसा नहीं जिसमें नहीं है। ठीक है जी, मैंने कोई राज्य ऐसा नहीं छुट्टिया जो नहीं गया हूँ जी। जी रामदास आएंगे 40 साल गया हूँ मैं, उसको देवता मानता हूँ आज भी। क्या खासियत रही चिराग पासवान के पिता में, क्या ये खासियत रही थी? उसने किसी का भी काम के लिए बना नहीं, कि गरीब गुरबा सब पाल सब बिराज को साथ लेके चला, उसको कोई भेदभाव नहीं था। और हिंदुस्तान का नेता था, बिहार का नेता नहीं था। ठीक है, हम तो उसको रोकते हैं हरियाणा से। ठीक है जी, और उसी कारण हम चिराग के साथ हैं।
हरियाणा होता क्यों आते हैं? क्यों हरियाणा से आए गए हैं? आया चिराग की सपोर्ट में जो भरा तो हो ठीक। हरियाणा में कितने सपोर्टर हैं चिराग पास? हरियाणा में ये समझे लाख और गुजरात तक की बता दूँ। गुजरात का तो पूरा भी दे सकता हूँ, राज्य का है कोई राज्य में कहीं 20,000 है, कहीं में 2,000 है, कहीं में 1,00,000 है। पिछले वक्त पासवान टाइम में हमारा MLA दो था भैया, राजस्थान से दो राजस्थान से MLA था। अच्छा, पासवान टाइम में ठीक है जी। तो किस जाति के हैं? मैं SC हूँ जी। नहीं जी ये भी नहीं है, जाति के हिसाब से लेकर नहीं चलता। जो अच्छा नेता है उसके साथ है। लालू की लड़की मेरे पड़ोस में आ रखी है, रिश्तेदार रखे हैं लालू, वो अच्छा है। नहीं नहीं, मेरी पड़ोस में इसकी लड़की भी आ रखी है। अच्छा, इसके लगन ले गए जब हम उठी था ठीक है, जो अच्छा होता है वो जाता है, मगर रिश्तेदार कहता है जब जाता नहीं जाता। तो इसलिए जो अच्छा आदमी कोई भी है जाति लेकर नहीं चलेंगे, अन्ना हमारा नेता लेकर चला जाए। ये है जी हरियाणा में हर राज्य में काम किए, बिहार के लिए हर राज्य में काम किए। इसलिए हम क्या लग रहा है बिहार को कितना बदल पाएगा? चिराग पासवान बहुत कुछ बदलेगा। हाजीपुर में 2 बार संसद है, जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई से ज़्यादा ऊपर पाएंगे। जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई, उम्मीद करते हैं नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, बिहार पाँचवा नंबर पर आज। पहले बिहार जमुई में स्टेशन को लुटा जाया करता, आज हम स्टेशन जा कर देख रहे। नेता बिहार का है, हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिहारी ओ सरदार जी, जो क्षेत्र सारा मिलकर 36 बार जीत आपको बीजेपी। देखिए बाबा आए हैं हरियाणा से आए हैं, परब चिराग पासवान कुछ देर पहुँचेंगे, उनसे भी जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, नामांकन होगा उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव पर, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।